आयोजन किया और कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदलकर यह स्वीकार कर लिया है कि उसके पास योग्य नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है और ना ही योग्य नेतृत्व है, बल्कि इस पार्टी में केवल व्यक्तिवाद का बोलबाला है। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों के अलावा जिला हिसार और हरियाणा के विकास कार्य भी बताए हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर उनकी ही पार्टी के दबंग नेताओं ने लाठियां बरसाते हुए उन पर जानलेवा हमला किया और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने हमला करवाने वाले नेताओं के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई। ऐसी गुंडागर्दी वाली मानसिकता के लोग जनता के साथ क्या न्याय करेंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और उस प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर ऐसे लोगों को ताकतवर किया जा रहा है जिन्होंने अपने परिवार की भलाई के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। ये 10 साल की सरकार के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शैलजा जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, लगातार उनको राजनीति में हाशिए पर धकेलने के हर संभव कोशिश स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। और मैं कहूं कि 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल वह कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कल्चर को पूरी तरह से हरियाणा में समाप्त किया और व्यक्तिवाद की राजनीति को